मेरा नाम शाहिद अल्ताफ है और मैं करगामा हंदवारा में रहता हूँ। मैं नीट 2024 में अपेयर हुआ था और जिसमें मेरा रिज़ल्ट 640 हुआ है। मेरा इस जर्नी में मेरा ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स का, जिनसे मैंने पढ़ा है, और मैं इरफा इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रह चुका हूँ। इनके टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा मेरे इस स्कोर अचीव करने में। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मैं 640 स्कोर कर रहा हूँ जी। मैं ऐसे ही बैठा हुआ तो मुझे अपने सर ने मैसेज की थी कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया था। तो जब मैंने चेक किया तो थोड़ा नर्वस था मैं। जब मैंने चेक किया तो वहाँ पर दिखा रहा था कि 640, तो इतना खुश हुआ कि वो ओवर एक्साइट में हो गया। और घर वालों को बताया तो वो भी बहुत खुश हुए, और अपने टीचर्स को कन्वे किया मेरा ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है, तो वो भी बहुत खुश हुए। वो अराउंड एक्चुअली नीट में वेरियस टाइमिंग होती है, एक अप्रोक्सीमेट हम कह नहीं सकते, बाउंड्रीज उसमें नहीं लगा सकते, तो अप्रोक्सीमेटली यही 12-14 आवर्स एवरेज में मैं पढ़ लेता था। नहीं सोशल नहीं एक्चुअली मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल कट आउट हूँ। मैं कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ नहीं करता, मैं इससे दूर ही रहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो डिस्टर्बेंस इस टाइम है वो सोशल मीडिया ही है। किसी भी बच्चे के लिए, वो किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर जो है वो अभी सोशल मीडिया बना हुआ है। हाँ, वो तो स्टडी पर्पस के लिए, वैसे कुछ नहीं है। अगर फॉरेन में सोशल मीडिया हैंडल में यूजुअली हम लेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो जो चैट्स और बाकी स्टफ के लिए यूज़ हुआ, मैं वो टोटली यूज़ नहीं कर रहा था। हाँ, यूट्यूब कभी कभार यूज़ आ जाता था, कभी कोई स्टडी पर्पस के लिए कोई वीडियो लेक्चर देखना पड़ता था, या कहीं पे कुछ डाउट मिलता था तो गूगल रिकमेंड कंसल्ट करता था। तो बस यही मेरा काम था फ़ोन पे। ऐसा सबसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा मामा बाबा का रहा और अपने भाई बहन का रहा है ज़्यादा इस जर्नी में, क्योंकि उनने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जिसकी वजह से मैं इतना स्कोर कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने इतना स्कोर किया है। और मेरी टीचर्स की गाइडेंस में, जो उनने कंटिन्यूसली फेथ रखा मुझ पे, कहाँ आप कर सकते हो, और कंटिन्यूसली मुझे बूस्ट देते रहे, मोटिवेट करते रहे, और मतलब रिलेटेड स्टफ मुझे प्रोवाइड करते रहे जो नीट ओरिएंटेड था, मेरे एग्जाम ओरिएंटेड था, जिसकी वजह से मैं आज इतना स्कोर कर पा रहा हूँ। उनके लिए एक ही मैसेज है कि वो हिम्मत मत हारे अपनी, वो करते रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी सक्सेसफुल होंगे, लेकिन कहीं पे कोई दिक्कत रह गई होगी जिसकी वजह से आपका स्कोर कुछ कम आ रहा है। और यही कहना चाहूँगा कि बस आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा। ड्रग्स का जो मसला है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो आज के यूथ को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि ड्रग्स मतलब ऐसी चीज़ है जो उनको किसी काम के काबिल ही नहीं छोड़ रही है। क्योंकि एक बार एडिक्शन होगी तो बार बार आप वो डोजेज लोगे, और उसकी वजह से आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर आपको डोजेज नहीं मिलेगी आप कुछ भी कर लोगे, जिसमें आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या मुलव्वस हो सकते हो। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इन चीज़ों से दूर ही रहे,